देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमित कुमार डायरीज। मैं इस समय बाहर आ रहा हूँ दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से, और आज संडे है और संडे हैंगआउट के लिए तैयार हो जाइए कनॉट प्लेस में। तो आइए मेरे साथ जायजा लेते हैं कनॉट प्लेस का। दिल्ली वालों के बीच सीपी नाम से फेमस कनॉट प्लेस शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। कनॉट प्लेस को हार्ट ऑफ दिल्ली कहते हैं। कनॉट प्लेस को ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। 1911 में जब देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई तो लुटियन जोन में बड़ी तादाद में अंग्रेजों को बसाया गया। अंग्रेजों के लिए एक इलीट क्लास शॉपिंग मार्केट की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में टाउन प्लानिंग कमेटी ने 1913 में कनॉट प्लेस के लिए इस जगह को फाइनल किया। 1929 में कनॉट प्लेस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1933 में जॉर्जियन आर्किटेक्चर स्टाइल में दो मंजिला खूबसूरत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया। तब से लेकर आज तक कनॉट प्लेस दिल्ली का मेन शॉपिंग डेस्टिनेशन और बिजनेस हब बना हुआ है। चौड़े कॉरिडोर्स और बड़े बड़े सफेद खम्भों से बिल्डिंग की सुंदरता बढ़ती है, साथ ही यहाँ आने वालों को धूप और बारिश से प्रोटेक्शन मिलता है। कनॉट प्लेस को दिल्ली के किसी भी मैप में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस 2 किलोमीटर का है। कनॉट प्लेस इनर सर्कल और आउटर सर्कल में डिवाइड है। दोनों सर्कल में 6 ब्लॉक हैं। इनर सर्कल में ए ब्लॉक से एफ ब्लॉक तक और आउटर सर्कल में जी ब्लॉक से एन ब्लॉक तक। अगर आप यहाँ रेगुलर नहीं आते हैं या आपको यहाँ के इन ब्लॉक्स की लोकेशन का आइडिया नहीं है तो आपका यहाँ आकर भटकना फिक्स है। कनॉट प्लेस में 4 बहुत पुराने थिएटर हैं। ये थिएटर हैं प्लाजा, रीगल, रिवोली और ऑडियन। इनमें से 3 मूवी हॉल आज भी चल रहे हैं। आज हमारा यहाँ मूवी देखने का प्लान है और मूवी देख करके आने के बाद में हो गया है अंधेरा, और अंधेरे में तो कनॉट प्लेस कुछ अलग ही रंग बिखेरता है, उसका अलग ही मज़ा है। इंडिया में मिलने वाले सभी बड़े ब्रांड्स के शोरूम यहाँ पर हैं। रेस्तरां, बुक स्टोर्स, बैंक्स, आर्ट गैलरीज, एंटिक शॉप्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक स्टोर्स, कार और बाइक के शोरूम से लेकर फेमस पान की दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी। सीपी में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक रौनक रहती है। मैंने पहली बार मैकडी में जो टेस्ट किया था वो इसी मैकडी में किया था, और वो 18-20 साल पुरानी बात है। 18-20 साल पहले भी मैकडी यहाँ पर था और आज भी यहाँ पर है, अंगद के पैर की तरह जमा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कनॉट प्लेस सिर्फ ब्रांडेड कंपनी के शोरूम के चलते फेमस है। कनॉट प्लेस पालका बाजार और स्ट्रीट मार्केट के बिना अधूरा है। स्ट्रीट मार्केट में आप बजट शॉपिंग कर सकते हैं। सीपी पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू लाइन और येलो लाइन लेकर आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से यहां आ सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहां हर ब्लॉक के सामने पेड पार्किंग बनाई गई है। ये है नेशनल चरखा म्यूजियम। म्यूजियम अंडरग्राउंड पालका बाजार के ऊपर बने पार्क की जगह पर बनाया गया है। 2017 में बनकर तैयार हुए इस म्यूजियम में खादी से जुड़ी यादों को सहेजा गया है। कनॉट प्लेस के बीच के बहुत बड़े एरिया में फैला है सेंट्रल पार्क, जहां लोग पूरे दिन और देर रात तक मस्ती करते हैं। सेंट्रल पार्क का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 260 फीट ऊपर लहरा रहा ये तिरंगा झंडा। पहले इस जगह को बैंड स्टैंड कहते थे। ब्रिटिश काल में बैंड स्टैंड में हर शनिवार को मिलिट्री बैंड का प्रोग्राम होता था। आज सेंट्रल पार्क में दिल्ली सरकार और हिंदी अकादमी की तरफ से रागिनी महोत्सव हो रहा है। मन देश के ऊपर जान झोंक दी, मेरी लिख चिट्ठी में दे दियो, मेरा लिख चिट्ठी में दे दियो। मेरे साथी, मेरे पे खेल दियो।
मधुर लहरियों के साथ में हम आज के सफ़र को पूरा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कनॉट प्लेस का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।